हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2022 के फोर्थ वीक यानी लास्ट वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जन के लास्ट वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इस लेक्चर की PDF प्लस टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे एंड एप्लीकेशन की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से। जनवरी 2022 में मेटा ने पार्टनरशिप की विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के साथ। अब पहले देखते हैं ये मेटा क्या है। इट्स अ पैरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मेटा क्या है, जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक का फादर या फेसबुक किसकी कंपनी है, फेसबुक का ओनर कौन है, वो है मार्क ज़करबर्ग। तो मार्क ज़करबर्ग का जो बिजनेस एम्पायर है उन्होंने रिसेंटली इसका नाम सारा चेंज करके मेटा रखा है, ठीक है। तो इसी मेटा ने पार्टनरशिप की FICCI के साथ। किस लिए पार्टनरशिप की, टू सपोर्ट 5 लाख वुमन लेड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। इंडिया में क्या करेंगे ये मिलके, ये सपोर्ट करेंगे 5 लाख वुमन लेड स्मॉल बिजनेसेस को अंडर किसके अंडर, #SheMeansBusiness प्रोग्राम के अंडर एंड FICCI's empowering the greater 50% initiative के अंदर, ठीक है। एक तो इस प्रोग्राम के अंदर एंड इस इनिशिएटिव के अंदर ये सपोर्ट करेंगे 5 लाख वुमन लेड स्मॉल बिजनेसेस कहाँ पे, इंडिया में, ओके। एंड मेटा जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू थ्री इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसके तीन इनिशिएटिव्स होंगे सपोर्ट प्रोवाइड करने के। अब कौन सा, ग्रो योर बिजनेस हब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, नेसेसरी टूल्स रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे इन स्मॉल बिजनेस होल्डर्स को, यानी कि जो जिनके होल्डर्स कौन है, वुमन, ओके। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स पार्टनर प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें हेल्प की जाएगी गो डिजिटल, ठीक है। डिजिटली आप सारा कुछ करो, जो भी आपका बिजनेस है वो डिजिटली करो, ठीक है। फेसबुक बिजनेस कोच प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वुमन्स को ट्रेड किया जाएगा थ्रू एन एडुकेशनल चैट बोर्ड टूल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। एक एडुकेशनल चैट बोर्ड टूल ऑन व्हाट्सएप, उसके द्वारा जो है इन वुमन को ट्रेन किया जाएगा, ओके। चलिए, एंड CEO कौन है मेटा के, मार्क ज़करबर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेटा ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है FICCI के साथ, किस लिए की है, ठीक है, क्या मोटिव था इनका पार्टनरशिप करने का, ठीक है। एंड ये मेटा की तरफ से जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, थ्री इनिशिएटिव्स, वो इनिशिएटिव्स क्या हैं, ठीक है। CEO कौन है मेटा के, ठीक है, ओके। चलिए, एंड ये इनिशिएटिव जो है इन्होंने सपोर्ट इनिशिएटिव लिया है कि टू सपोर्ट 5 लाख वुमन लेड स्मॉल बिजनेस, कहाँ का इनिशिएटिव, ये कहाँ पे ये जो है लॉन्च किया जाएगा, कहाँ पे ये इसका जो है सारा काम किया जाएगा, वो इंडिया में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, मेटा की ही बात हो रही है नेक्स्ट पे भी। मेटा जो कि पेरेंट कंपनी मैंने आपको बोला फेसबुक इंस्टाग्राम की है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये बनाएंगे फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड, ठीक है। कंप्यूटर के रिलेटेड करंट अफेयर है तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या अनाउंस किया, ये बनाएंगे फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड, जिसका नाम क्या है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC। कब अनाउंस किया, 24th of January 2022। और ये जो कंप्यूटर है इसका क्या रहेगा, मतलब ये क्या परफॉर्म करेगा, इसका टास्क क्या रहेगा, ये कौन से टास्क परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडेंटिफाइंग हार्मफुल कॉन्टेंट। एक तो ये ट्रांसलेट करेगा टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेज और ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट जो भी होगा, ओके। परफॉर्मेंस जो है इस कंप्यूटर की, ये मेजर की जाएगी इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड रैदर देन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सुपर कंप्यूटर में जो परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी, फ्लॉप्स में, ठीक है, रैदर देन इन MIPS, ओके। ये जो है
ये माना जाता है, इट इज़ बिलीव टू बी अमंग द फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स रनिंग टुडे. ठीक है, आज जो भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं, आज जो भी कंप्यूटर्स हैं, उनमें से ये सबसे फास्टेस्ट एआई कंप्यूटर माना जाएगा. ओके, चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेटा ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया, मेटा ने कौन सा सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड जो है रिसेंटली अनाउंस किया कि वो बिल्ड करेंगे, जिसका नाम क्या है और कब इन्होंने ये अनाउंस किया. ठीक है, एंड इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी. ओके, चलिए जी नेक्स्ट. लोकसभा स्पीकर कौन, ओएम बिरला. ठीक है, आज के लोकसभा स्पीकर कौन है, ओएम बिरला, याद रखिएगा. इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल संसद ऐप. क्या किया, डिजिटल संसद ऐप इन्होंने लॉन्च किया. ओके, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट है, एक मोबाइल संसद ऐप जो कि मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट है. एंड इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सिटीजन्स एसेस कर सकते हैं लाइव प्रोसीडिंग्स, यानी कि वो लाइव देख सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है. ठीक है, पार्लियामेंट में किस तरह की बातें हो रही, पार्लियामेंट में आज क्या कुछ चल रहा है. ठीक है, ओके. इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन, इस डिजिटल संसद एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बजट स्पीच ऑफ 1947 की भी, एंड हाउस डिस्कशंस ऑफ 12th to 17th लोकसभा भी इसमें देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होगा संसद प्रोसीडिंग्स का, और 2022 बजट सेशन जो है वो इस पे आप लाइव देख सकते हो इस एप्लीकेशन पे. ठीक है, किस एप्लीकेशन पे, डिजिटल संसद ऐप. ठीक है, ओके. क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा की स्पीकर ओएम बिरला ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया. ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है. ठीक है, इसका क्या एम है, या इसका मतलब सिटीजन्स का इसमें क्या फ़ायदा है, वो लाइव प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. ओके, चलिए जी. गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लस हरियाणा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने साइन किया एक MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम. ठीक है, किस लिए इन्होंने साइन किया, ये वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा आदि बद्री डैम. ओके, आदि बद्री डैम कहाँ पे किया, ये 77 acres ऑफ लैंड पे बनेगा, नियर आदि बद्री एरिया. कहाँ पे, यमुनानगर हरियाणा में ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. किस लिए, फॉर रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर. अब हरियाणा में ताकि रिवाइवल हो जाए, यानी कि फिर से सरस्वती रिवर को मोड़ा जाए हरियाणा की तरफ, इसलिए यह आदि बद्री डैम जो है इसको बनाया जाएगा. ओके, इसका, इस डैम का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, ₹213.35 करोड़, एंड फंडिंग जो है इसकी टोटली हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आएगी. ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कोई कंट्रीब्यूशन फंडिंग में नहीं है. ओके, चलिए अब ये साइन, ये MOU साइन हुआ किन के बीच हुआ और कहाँ पे हुआ, पंचकुला में ये साइन किया गया है, और किन के बीच, बिटवीन द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ हरियाणा, सॉरी हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा ने साइन किया ये MOU इन प्रेजेंस ऑफ CM जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के CM एंड मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM. ठीक है, हो गया, यहाँ पे अब पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश का CM कौन है एंड हरियाणा का CM कौन है ना, इनकी प्रेजेंस में. अब यहाँ पे आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा के बीच में एक MOU रिसेंटली साइन हुआ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, आदि बद्री डैम. कहाँ पे किया जाएगा कंस्ट्रक्ट, यमुनानगर हरियाणा. ओके, किस लिए, फॉर रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर. ओके, एंड इसकी फंडिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. चलिए जी आगे, प्रज्ञा कोहली. ठीक है, प्रज्ञा कोहली जो है ये एक यूट्यूबर हैं. ठीक है, ये बन गई, बिकेम इंडियाज फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन. इंडिया की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बन गई है. ठीक है, अब ये, इनको ये टाइटल क्यों मिला. ठीक है, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, इनका मोस्ट कंट्रीब्यूशन, एक यूट्यूबर थी, अपने कैंपेन्स चलाती थी, और इनके कैंपेन्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टुअर्ड्स मेंटल हेल्थ रहता था, वुमन राइट्स एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इसी वजह से जो है इनको ये टाइटल मिला. ठीक है, एंड ऑल्सो इनको बनाया गया ग्लोबल एम्बेसडर. किसका, एक इनिशिएटिव लिया है यूट्यूब पे क्रिएटर्स फॉर चेंज, उसका ग्लोबल एम्बेसडर इन्हीं को, प्रज्ञा कोहली को बनाया गया. ठीक है,
ओके अब ये मतलब ये क्यों मतलब ये क्रिएटर फॉर चेंज ये इनिशिएटिव्स इसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर इनको जो है ये काम दिया गया कि वो रेज करे अवेयरनेस अराउंड क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड देयर इम्पैक्ट्स. ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने डिक्लेयर किया एंजाइटी वर्ड ऑफ द ईयर 2021. ठीक है 2021 में सबसे ज़्यादा बोलने सबसे ज़्यादा जुबान पे आने वाला वर्ड जो देखा गया वो एंजाइटी था. ठीक है अब इन्होंने ये कैसे एस्टिमेट किया कि एंजाइटी ही है. इन्होंने 8,000 स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रंस को अक्रॉस 85 स्कूल्स इन UK चूज़ किया जिनकी एज इन 8,000 स्टूडेंट्स की एज 3 to 9 ईयर्स के बीच थी. ठीक है एंड सर्वे किया एंड इनको बोला कि चलिए टॉप वर्ड्स बताइए रिगार्डिंग हेल्थ और वेलबींग के. ठीक है वेलबींग और हेल्थ के कुछ टॉप वर्ड जो आपकी आपके जहन में आपकी ज़ुबान पे आ रहे हैं वो बताइए. एंड उनके ज़ुबान पे सबसे ज़्यादा एंजाइटी 21% लोगों के ज़ुबान पे 21% लोगों के ज़ुबान पे एंजाइटी ही था. 90% लोगों के ज़ुबान पे चैलेंजिंग फिर आइसोलेट 14% वेलबींग 13% एंड रेजिलेंस 12% लोगों पे. ठीक है चिल्ड्रंस टॉप 5 वर्ड्स बन गए ये. ठीक है 2020 की बात करेंगे तो कोरोना वायरस था चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. 2020 का पूछा जाए तो कोरोना वायरस 2022 का पूछा जाए तो एंजाइटी. ओके अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि वर्ल्ड ईयर ऑफ 2021 में ये सर्वे किया एंड प्रेजेंट किया इन्होंने 2022 में इसकी रिपोर्ट दी. ओके चलिए जी जानवी धनगेती की बात करते हैं. जानवी धनगेती बिकेम फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम. ठीक है जानवी धनगेती आंध्र प्रदेश से थे 19 ईयर ओल्ड एक लड़की है. तो कहाँ से आंध्र प्रदेश से ये बन गई इंडिया फर्स्ट टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम. ठीक है एट कहाँ पे एट कैंडी स्पेस सेंटर अलबामा US इन 2021. ओके चलिए जी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है एंड इसका नाम क्या रखा है इन्होंने स्पाइस एक्सचेंज इंडिया. क्या नाम है इस स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल का स्पाइस एक्सचेंज इंडिया. इन्होंने यूज़ की इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स. इस पोर्टल में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में AI देखने को मिलेगी टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स. किसके बायर्स एंड सेलर्स स्पाइसेस के. ठीक है मसालों के. ओके लॉन्च किसने किया ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश. ठीक है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना पीयूष गोयल प्रेजेंट है 2019 में ये अपॉइंट किए गए थे तो वहाँ पे इन्होंने ही लॉन्च किया. ओके चलिए अब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं एस्टैब्लिश्ड इन 1986. ठीक है इंडिया को जो है बोला जाता है स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड. ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा इंडिया को बोला जाता है स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया करंटली एक्सपोर्ट कर रहा है मोर देन 225 स्पाइसेस टू 180 डिफरेंट कंट्रीज को. ठीक है इसलिए इसको स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है. ओके चलिए नेक्स्ट पे फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शिंजो एबे. ठीक है इनको एक अवार्ड दिया गया नेताजी अवार्ड 2022. किन्होंने दिया बाय नेताजी अवार्ड ब्यूरो. ठीक है एट कब एलाइगन रोड रेजिडेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र. कहाँ पे एलाइगन रोड रेजिडेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. कब इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनको ये अवार्ड दिया गया किनको शिंजो एबे जो कि फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. ओके अब इन्होंने अवार्ड डायरेक्टली रिसीव नहीं किया इनके बिहाफ पे रिसीव किया नाकामोरा युताका ने. ठीक है नाकामोरा युताका नाम था जो कि कंसल जनरल ऑफ जापान है. और 2021 में जो है इनको ही वॉज बेस्टाउड विद पद्मा विभूषण. ठीक है क्या पद्मा विभूषण भी 2021 में इन शिंजो एबे को मिला. इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पद्म विभूषण भी एंड नेताजी अवार्ड भी इनको मिला. ठीक है 2021 में 2022 में तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. चलिए जी नेक्स्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल कोयला दर्पण जिसको बोलते हैं. ठीक है जिसका नाम क्या है कोयला दर्पण इन्होंने नाम रखा है टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ठीक है
तो टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनिशियल स्टेप इस पोर्टल का हैज़ फॉलोइंग KPIs. अब इसके इनिशियल स्टेप में कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, कोल लिग्नाइट प्रोडक्शन देखी जाएगी, कोल लिग्नाइट ऑफ टेक, एक्सप्लोरेशन डेटा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक इन थर्मल प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस, कोल प्राइस. ये सारा जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू इसको देखा जाएगा. ओके, यहां पे जो है लॉन्च किसने किया, बाय अनिल कुमार जैन, जो कि कोल सेक्रेटरी है. किन्होंने, अनिल कुमार जैन ने. ओके, चलिए अब बात करते हैं कुजंगल. कुजंगल एक मूवी है, एक इंडियन मूवी है, इसका पेबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. कुजंगल एक मूवी है जिन्होंने हाल ही में जनवरी 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन में, एट कहाँ पे, 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. क्या, बेस्ट फिल्म अवार्ड एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन में, कहाँ पे, एट 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. एंड अवार्ड किसने दिया, गिवन बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हसन महमूद ने दिया. किन्होंने, हसन महमूद ने, एट नेशनल म्यूजियम ऑडिटोरियम ढाका में. ओके, अब इस कुजंगल की बात करते हैं. ये इंडियन मूवी है एंड इनको डायरेक्ट किसने किया था, पी एस विनोद राज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, और एक तमिल मूवी है. चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ठीक है. ग्राफीन के लिए इंडिया का पहला इनोवेशन सेंटर सेट किया जाएगा, कहाँ पे, केरला में. बाय कौन बनाएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, DUK सेटअप करेगी केरला में इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ठीक है. एंड इसके साथ साथ वहाँ पे सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET इन थिसूर में भी बनाया जाएगा, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे जो है इसका जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है, किसका, इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है वो है टाटा स्टील लिमिटेड. ओके, यहाँ पे ग्राफीन की बात करते हैं. ग्राफीन क्या है, ये जाना जाता है फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है. इसीलिए वहाँ पे जो है इनोवेशन सेंटर इसके लिए बनाया गया, ठीक है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. ये इसकी केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है. इसलिए जो है वहाँ पे फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन बनाया जाएगा, कहाँ पे, केरला में. ओके, इसके बाद बात करते हैं 2020-21 में इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकम्बर एंड गर्किन्स, ठीक है. तो 2021 की बात हो रही है, तो लेकिन डेटा 2022 में प्रेजेंट किया गया, तो इंडिया बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकम्बर एंड गर्किन्स. कुकम्बर हमें पता है खीरे, गर्किन्स क्या होते हैं, पिकलिंग कुकम्बर जिनका हम अचार डालते हैं. इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कॉर्निकॉर्न्स बोला जाता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कितना एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया तो कितना एक्सपोर्ट किया, 223,515 metric tons of इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, जिनकी वैल्यू बन जाती है $223 million, ठीक है. एंड 2021 की बात करेंगे, इंडिया क्रॉस्ड $200 million मार्क इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स. इन्होंने जितने एग्री प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं अभी तक, इंडिया ने जो है क्रॉस किया है $200 million मार्क 2021 में. ओके, इसके बाद बात करते हैं मेलेना साल्विनी, नोटेड कथकली डांसर, ठीक है. मेलेना साल्विनी जो थी, ये एक कथकली डांसर थी. कथकली आपको पता ही है, यहाँ पे केरला साइड से बहुत ये डांस फॉर्म है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर डांस फॉर्म है. तो नोट कथकली डांसर, लेकिन ये कहाँ की थी, फ्रांस की थी, और ये फ्रांस से केरला आती थी कथकली सीखने, ठीक है. और जो है हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है. शी पास्ड अवे इन January 2022, ठीक है. एंड 2019 में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फ्रांस की थी और कथकली यहाँ के इंडियन डांस में इसका इंटरेस्ट था, एंड हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो इनको पद्मश्री भी दिया गया है.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट पे चलते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर की बात करते हैं, जो कि मीनाक्षी लेखी कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी है. इन्होंने हाल ही में रिलीज की एक पिक्टोरल कॉमिक, ठीक है, एक कॉमिक बुक जिसपे पिक्चर्स यानी कि पिक्चर्स के थ्रू कॉमिक्स में स्टोरीज बोली जाती है ना. लाइक कॉमिक्स में ऐसे नहीं होता है नॉवेल्स की तरह स्टोरी लिखी है पढ़ना है, कॉमिक्स में पिक्चर्स के थ्रू भी वहाँ पे सारा कुछ दिखाया जाता है, ठीक है. पिक्टोरल कॉमिक इन्होंने हाल ही में रिलीज की जिसका टाइटल क्या रखा है इन्होंने, इंडियाज़ वुमन अनसंग हीरोज, ठीक है, क्या रखा है, इंडियाज़ वुमन अनसंग हीरोज, ठीक है. अब इन्होंने ये बुक किस लिए लिखी, इन ट्रिब्यूट टू द फॉरगॉटन वुमन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री. जो भी वुमन फ्रीडम फाइटर्स थी ना कंट्री की, जिनको भूला भी क्या गया है, उनका नाम कहीं पे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था फ्रीडम, वो फ्रीडम फाइटर्स थे कंट्री के, ठीक है. तो लेकिन उनका जो है कहीं पे नाम नहीं लिया जाता है, वो भूले गए हैं, फॉरगॉटन वुमन फ्री है, ठीक है. तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन में, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनके ट्रिब्यूट यानी कि उनके ऑनर में इन्होंने ये बुक लिखी एज अ ट्रिब्यूट टू फॉरगॉटन वुमन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कंट्री, ठीक है, ओके. अब इन्होंने इस बुक में 75 अनसंग वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है. कितने? 75, ठीक है, जिनको मेंशन कहीं पे नहीं किया गया है, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा हुआ है, वुमन के बारे में बात हो रही है, ओके. एंड इस पिक्टोरल कॉमिक को किन्होंने प्रिपेयर किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एंड अमर चित्रा कथा जो कि पब्लिशर हैं कॉमिक्स एंड नावल्स ने, नावल्स के, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अमर चित्रा कथा, ओके. इस बुक में स्टोरीज ऑफ क्वींस लिखी गई है जिन्होंने अपनी जाने गंवाई है फॉर माँ भारती, भारती यानी कि भारत माँ के लिए, भारत माँ मतलब इंडिया के लिए, ठीक है, जिन्होंने अपनी जाने गंवाई है. मैंने आपको बोला फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे स्टोरीज ऑफ क्वींस, इन्होंने एज क्वींस उनको यहाँ पे सिग्निफाई किया है, ओके. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किए हैंड्स, यानी कि इन्होंने हाल ही में हाथ मिलाया किन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इसराइल के साथ. किस लिए? टू क्रिएट 150 विलेज ऑफ एक्सलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ कंट्री. किस लिए? ताकि ये यहाँ पे इंडिया में 150 विलेज ऑफ एक्सलेंस बनाए, कहाँ पे, इन 12 स्टेट्स ऑफ कंट्री, 12 स्टेट्स ऑफ कंट्रीज में, ठीक है. एंड इसराइल ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए हैं 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस 12 स्टेट्स ऑफ कंट्री, ऑलरेडी एस्टैब्लिश, ठीक है. कितने? 29, 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनका टारगेट है, लेकिन इसराइल ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश यहाँ पे 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस 12 स्टेट्स ऑफ कंट्री कर दिए, ओके. गवर्नमेंट ऑफ इसराइल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है. यहाँ पे जो है विलेज ऑफ एक्सेलेंस किस मसले में, ताकि जो ये है फार्मिंग है, फार्मिंग सिस्टम को बहुत आगे बढ़ाया जाए. एंड टेक्निकल असिस्टेंस इसराइल इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड करेगा ताकि एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए यहाँ पे, ठीक है, ओके. चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, इनको दिया गया है TX2 अवार्ड रिसेंटली, ठीक है, TX2 अवार्ड इनको दिया गया. किस लिए दिया गया ये अवार्ड? फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन अप टू 80 सिंस 2010. अब यहाँ पे 2010 से वहाँ पे पहले 40 ही टाइगर्स होंगे, है ना, अब डबल किया है तो 80 हो गए, ठीक है. 2010 से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन वहाँ पे डबल की है. हमें पता है कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो रही है ना, तो शायद ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहा है. तो यहाँ पे जो है इनको इस कंट्रीब्यूशन के लिए TX2 अवार्ड दिया गया. एंड इसके साथ साथ जो है बर्दिया नेशनल पार्क ऑफ नेपाल जो है इनको भी ये अवार्ड मिला फॉर डबलिंग वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, ठीक है. चलिए जी ये हो गया आज का लेक्चर, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.